ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बेशकीमती हो, प्यार के काबिल हो, एक बेहद सुंदर प्राणी हो तुम। खुद को हमेशा इसी रूप में देखो, क्योंकि इसी रूप रंग में मैं तुम्हें हमेशा देखता हूं। जिस पल तुम खुद को स्वीकार करते हो पूरी तरह जैसे हो, बिल्कुल वैसे ही, उस पल से ही तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो। तुम दूसरों पर भरोसा करने लगते हो और पूरी कायनात पर भरोसा करने लगते हो। जब तुम खुद को अस्वीकार करते हो, तुम अपने जीवन के साथ खुदा को भी अस्वीकार कर देते हो। और जब खुद को स्वीकार करते हो, मतलब अपने बाबा को भी स्वीकार करते हो, उसके बाद जो होता है उसे खुदा कहते हैं। उसके बाद सुख दुख दोनों ही अच्छे लगते हैं। प्यार अच्छा लगता है और खालीपन भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हर हाल में तुम परमात्मा को अपने भीतर जीते हो। खुद को स्वीकार करना ईश्वर के प्रति तुम्हारी प्रार्थना या भक्ति कहलाता है। खुद को स्वीकार करना जीवन के प्रति तुम्हारी भेंट होती है। स्वीकार करते ही जीवन तुम्हारे ऊपर उपहारों की वर्षा करने लगता है, क्योंकि अब तक तुमने जो माना हुआ था कि तुम उन उपहारों के योग्य नहीं हो, वो दीवार अब गिर चुकी होती है। मुझ तक या परमात्मा तक पहुंचने का द्वार खुद को स्वीकार करने से खुलता है। अपने बाबा को अपने भीतर जीना है तो स्वीकार करके देखो। मैंने तुम्हें हमेशा स्वीकार किया है, हमेशा तुम्हारे साथ रहा और हमेशा रहूंगा। तुम्हारे लिए सब शुभ है, सब शुभ ही हो। अपने साई के लिए एक बार फिर मुस्कुरा दो। तुम्हारी हर एक मुस्कान मुझे बेहद पसंद है। जय साई राम।